मैं कुलवीर राणा और हम आए आज दोस्तों रत्नेश्वर महादेव जी जो अमीरगढ़ में स्थित है और उदयपुर हाईवे पे। तो दोस्तों चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। दोस्तों बहुत भव्य मंदिर है और हमारे साथ में सतप्रकाश जी भी आए हैं। दोस्तों आपको हमारे ब्लॉग के साथ बना रहना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं, सतप्रकाश जी चले अंदर। हाँ चले। तो दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ में दोस्तों। तो चलो चलते हैं। चलो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको हमारे ब्लॉग के साथ, बने रहना है आपको और आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे। जो अन्य प्रकार के जीव जंतु है जो यहाँ पे अंदर मंदिर में रहते हैं, उन्हें कैसे देख रेख रखते हैं यहाँ के जो मतलब यहाँ पे सेवा करने वाले हैं, कैसे यहाँ पे उनके दाने पानी की व्यवस्था है, और अन्य प्रकार के यहाँ पे पक्षी है और जीव है, जंतु है, तो वो भी आपको हम आज दिखाएंगे। तो हमारे ब्लॉग के साथ आपको बने रहना है और ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं मंदिर के प्रांगण में। तो दोस्तों बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ में, चलो चलते हैं। ठीक है, बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के अंदर ही बावड़ी वाले सगर जी का स्थान बना रखा है। यहाँ प्रत्येक रविवार के दिन श्रद्धालु अपनी आस्था लेके आते हैं और आप देख सकते हो बावड़ी वाले सगर जी का स्थान बहुत ही रमणीक स्थान है रत्नेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। और ये स्थान मंदिर के प्रांगण में ही है जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्थान है, आप भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं मेन मंदिर में, जो रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, आप जा सकते हो स्क्रीन पे। बहुत ही रमणीक स्थान, बहुत ही बढ़िया स्थान आप देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया स्थान है, रमणीक स्थान। मंदिर के अंदर ही पैरेड के लिए स्थान आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्थान है और पैरेड के लिए खाने के लिए यहाँ पे उत्तम व्यवस्था है, दाना वाना। छोटे बच्चे भी खरगोश को देख रहे हैं, ये खरगोश देखो कितनी मस्ती से सो रहा है, आराम फरमा रहा है। चिड़ियों की मधुर दौड़े सुन सकते हो आप, कितना मधुर दृश्य है। चिड़ियों को खाने के लिए बाजरा डाल रखा है। चिड़ियों के पिंजरे में कछुआ भी है जैसा कि आप देख सकते हो। मंदिर के पास में ही हमीरगढ़ रेलवे स्टेशन है जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमीरगढ़ रेलवे स्टेशन से इधर से चित्तौड़ की लाइन जा रही है और ये विद्युत लाइन है जैसा कि आप देख सकते हो। ये मंदिर के पास से लाइन गुजर रही है जैसा कि आप देख सकते हो, ये कुलवीर भाई साहब। और आप बहुत ही बढ़िया स्थान है, आप भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो। ये सामने का जो पोर्शन देख रहे हो ये यही है हमीरगढ़ रेलवे स्टेशन है। ठीक है दोस्तों,
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों हमारे चैनल को। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना दोस्तों। तो आज के ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, क्यों सत प्रकाश जी? हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय भारत, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों।